अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मंजूरी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मिल गई है। अब ऊपरी सदन सीनेट में ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की पर 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जाँच के लिए दबाव बनाया है। बाइडेन के बेटे यूक्रेन की एक ऊर्जा कंपनी में बड़े अधिकारी है। अब आगे क्या होगा? अब रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली सीनेट में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जांच शुरू होगी। ये जांच नेताओं के छोटे छोटे समूह यानी समितियां करेंगी। हर एक समिति को इस मामले में जुड़े किसी एक चीज को समझने में महारत हासिल है, जैसे कि विदेशी मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और न्याय की समिति। इस मामले में सार्वजनिक तौर पर गवाहों को भी बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति के वकीलों को इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का हक हासिल होगा। अगर समिति ये तय करती है कि ट्रंप के खिलाफ आरोप तय किए जाए तो इस पर सदन के सदस्य मतदान करेंगे। अगर ट्रंप के खिलाफ 2/3 बहुमत के साथ अभियोग सिद्ध हो जाते हैं तो वह अमेरिकी इतिहास में महाभियोग की प्रक्रिया के चलते पद से हटाए जाने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। क्या ट्रंप को देना पड़ेगा इस्तीफा? अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में महाभियोग को लेकर जांच की जाएगी। यहां ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को बहुमत प्राप्त है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति के पद से नहीं हटाया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि सीनेट की 100 सीटों में से 53 सीटें उनके पास है और ट्रंप को दफ्तर से बाहर निकालने के लिए 2/3 मत जरूरी है। ऐसे में अगर ट्रंप की पार्टी के लगभग 20 सदस्य उनका साथ देने से इनकार करते हैं तभी कुछ बड़ी उथल पुथल होगी, लेकिन अब तक रिपब्लिकन पार्टी उनका साथ देती आई है। क्या होता है महाभियोग? महाभियोग एक तरह की जांच है जिसके जरिए अमेरिकी कांग्रेस राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है जिसे कांग्रेस के 2 सदन अंजाम देते हैं। पहले चरण में निचला सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नेता राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को देखते हैं और तय करते हैं कि राष्ट्रपति पर औपचारिक तौर पर महाभियोग के आरोपों की जांच आगे बढ़ाना है या नहीं। यहां से पास होने के बाद ऊपरी सदन सीनेट इस मामले की जांच करता है। जांच के दौरान अगर राष्ट्रपति दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होता है और उनकी जगह उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं। ट्रंप ने लोगों से कहा, आप देख रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब संसद में ट्रंप के महाभियोग पर वोटिंग चल रही थी तब वह मिशिगन के बैटल क्रीक में सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर रहे हैं और मिशिगन के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वहीं कट्टरपंथी और वामपंथी कांग्रेस मेरे खिलाफ ईर्ष्या, नफरत और गुस्से से भरी है। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।